हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए देखते हैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि हम लोग के पास थ्री सिचुएशन है। इन थ्री सिचुएशन में से सबसे पहला है थ्री आइडेंटिकल कार ए बी सी। आइडेंटिकल मतलब ये होता है कि उनके सभी मास इक्वल है और मूविंग एट द सेम स्पीड। उन सभी जो है सेम स्पीड, कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रहे हैं ऑन थ्री ब्रिज, ठीक ना। द कार ए गोन ऑन ए प्लेन रोड, मतलब प्लेन ब्रिज है भाई। ब्रिज सीधा भी होता है, हॉरिजॉन्टल भी होता है। बी ऑन ब्रिज कन्वेक्स अपवार्ड, ठीक ना। कन्वेक्स अपवार्ड मतलब होता है ऐसा वाला ब्रिज, ठीक है। पहला वाला ब्रिज सीधा था और कन्वेक्स अपवार्ड ऐसा होता है। सी गोज ऑन ए ब्रिज कॉनकेव अपवार्ड। कॉनकेव और केव मतलब होता है गुफा, और ये कॉनकेव अपवार्ड। तो ये ऐसे तीन ब्रिज हैं और इन तीनों ब्रिज पे अपनी कार जाएगी। कहता है एफ ए एफ सी ऑन द नॉर्मल फोर्स एग्जर्टेड बाई द कार ऑन द ब्रिज व्हेन दे आर एट द मिडल ऑफ द ब्रिज। मतलब ब्रिज के बीचों बीच, यहाँ पर जब कार है इस टॉप पर है और यहाँ पर ये बॉटम पे है, तो एफ ए बी सी और नॉर्मल रिएक्शन है, तो इन नॉर्मल रिएक्शन में हमें कंपेरिजन करना है। तो अगर आप सर्कुलर मोशन अच्छे से पढ़े हो और किए हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं है। ये एक ब्रिज है जो हॉरिजेंटल ब्रिज है, तो हॉरिजेंटल ब्रिज पे नॉर्मल ऊपर आता है और एम जी नीचे आती है, ठीक है। और यहाँ पे नॉर्मल की जो नोटेशन है वो एफ ए देना है। तो पहले केस में आ जाएगा एफ ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी एम जी के इक्वल हो जाएगा। दिस इज द केस फर्स्ट, ठीक है। हर जगह नॉर्मल सेम रहता है, हर जगह वेट सेम होता है। कार यहाँ आएगी तभी भी नॉर्मल यही रहेगा क्योंकि हॉरिजेंटल है, ठीक है ना। चलो तो अब बात करते हैं दूसरे वाले ब्रिज का जो कन्वेक्स है इस टाइप से। तो इस वाले ब्रिज में अगर बात करोगे तो सबसे पहले अगर टॉप पॉइंट पे देखोगे, वैसे तो आप पढ़े होगे, तो इधर से इधर जाने पे नॉर्मल की वैल्यू इंक्रीज होने लगती है और अपेरेंट वेट भी इंक्रीज होता है, ठीक है ना। आप कोई ना कोई मेरा वीडियो देख लेना, वो आपको मिल जाएगा। तो जब कार यहाँ पे है तो नॉर्मल तो ऊपर लगेगा प्यारे बच्चों, नॉर्मल तो ऊपर लगेगा। तो जब कार यहाँ पे है तो नॉर्मल ऊपर लगेगा। उसको मैं ऐसे बना देता हूँ, तो नॉर्मल विल एक्ट समथिंग लाइक दिस। तो नॉर्मल इस लाइन में लगेगा, कौन लगाएगा, ग्राउंड, और वेट एम जी जो है वो एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगी। एम जी कुछ ऐसे लगेगी बच्चों। तो एम जी अगर इधर लगेगी तो ये रही अपनी एम जी, और अगर साथ साथ ये वी वेलोसिटी से मूव भी कर रहा है भाई, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो जब मैं इसका इक्वेशन लिखूंगा तो नॉ जो सेंटीपिटल फोर्स होता है वो नेट फोर्स टुवार्ड द सेंटर होता है। नेट फोर्स टुवार्ड द सेंटर, ये जो आर्क है, इस आर्क की जो रेडियस है वो कुछ आर होगी, इस आर्क की रेडियस कुछ आर होगी। तो नेट फोर्स एम जी माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। अब यहाँ पे हमें नॉर्मल की वैल्यू जो आ जाएगी वो एफ बी से डिनोट करना है। नॉर्मल इज इक्वल टू एफ बी, दैट इज इक्वल टू एम जी माइनस एम वी स्क्वायर ओवर आर। ध्यान रखना ये टॉप पर है, थीटा डिग्री पर नहीं। थीटा डिग्री पे हम कर लिए हैं, कोई और सवाल देख लेना, बहुत सारे हैं। तो ये आ जाएगा सेकेंड केस में, पहले से कम आ गया। थर्ड केस में बात करो तो थर्ड केस में अपनी ब्रिज ऐसे है बच्चों। तो थर्ड केस में जो ब्रिज है वो ऐसे है, तो इस केस में जो नॉर्मल है वो अभी भी ऊपर आएगा और एम जी अभी भी ये वर्टिकली डाउनवर्ड ही आएगी एम जी। तो एम जी को मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ, जो उसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो एम जी विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, तो एम जी सीधी आएगी यहां से। तो एम जी कुछ ऐसी आएगी, देखो, तो एम जी कुछ ऐसी आएगी वर्टिकली डाउनवर्ड। ये तो एम जी इधर आ जाएगी, नॉर्मल इधर आ जाएगा, और इस नॉर्मल को हम एफ सी से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अब इसका कर्वेचर अपवार्ड है, सर्कल ऊपर है, तो सेंटर ऊपर होगा। तो नेट फोर्स सेंटर की तरफ जो होता है वही सेंटीपिटल होता है। एम बी स्क्वायर वार की वैल्यू एम बी स्क्वायर अपन आर ये सब में कांस्टेंट है, तो यहाँ से आ जाएगा नॉर्मल, नॉर्मल या एफ सी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी
नॉर्मल की जो वैल्यू आ जाएगी वो नॉर्मल माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, ठीक है, या नॉर्मल एफ सी की जो वैल्यू आ जाएगी वो एम जी प्लस एम वी स्क्वायर ओवर आर आ जाएगा। तो ये तीनों केस के लिए हैं। पहले केस में देखो एम जी माइनस एम वी स्क्वायर, दूसरे केस में, तीसरे में सबसे अधिक नॉर्मल फोर्स लगेगा। तीनों का हम एनालिसिस किए तो हमें पता चला कि तीसरे में सबसे ज़्यादा लगेगा। आप एक बार दैट इज सी ऑप्शन हम लोगों का सही है प्यारे बच्चों। तीनों में कंपेयर कर सकते हो ना, एफ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम जी आ रही है, और एफ बी की वैल्यू कितनी आ रही है, वो एम जी माइनस एम बी स्क्वायर ओवर आर आ रहा है, और एफ सी की वैल्यू आ रही है एम जी प्लस एम बी स्क्वायर ओवर आर। अगर तीनों में कंपेयर करोगे तो सबसे ज़्यादा तो नॉर्मल इसमें है, उसके बाद इसमें है, और सबसे कम नॉर्मल इसमें है, ठीक है ना। दैट इज सी ऑप्शन सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।